हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अक्सर हमारे बहुत सारे भाई हमारे से VX डाइग लिए हैं, तो उनको एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, तो बार बार उनको VIN नंबर मांगने का कुछ ऐसा सिस्टम बता रहा है। तो मैं उनको उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो ऐसी दिक्कत आ रही है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, तो थोड़ा समझने में और गाड़ी सिलेक्शन करने में उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो है जो VX डाइग हमारे से लिए हैं या ऐसी कोई दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, गाड़ी स्कैन नहीं हो रही है, तो उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हैं ये हमने 1755 बोलोरो पिकअप का ECM लगाया है और VX डाइग हमने लगाया है, और उसका जो डेटा केबल हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिए, और प्लस हमने कैनबॉक्स 2 ऑन टेबल हमने ECM को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अभी मैं अपना iSmart का सॉफ्टवेयर ओपन किया हूँ क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर में हम डायग्नोस करते हैं। देख सकते हैं ये है अपनी बोलेरो, देखो बोलेरो है, हम बोलेरो में जाएंगे तो इधर आपको वेरिएंट पूछेगा। अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आप वेरिएंट ले लेता हूँ, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाऊँगा तो ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो इसके अंदर क्या बता रहा है, प्लीज़ इंटर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कोई भी आप कंपनी की कार ले लो उसके अंदर VIN नंबर आता है, VIN नंबर से अपने को आइडेंटिफिकेशन होती है कौन सी गाड़ी है, कौन से मॉडल की है। देखो अभी मेरा नाम है जमीर अहमद, ठीक है, और मैं इस जगह का हूँ, इस जगह पे पैदा हुआ हूँ, या इस जगह पे मेरा दुकान है, इस जगह पे मेरा वर्कशॉप है, और मैं इस जगह पे काम करता हूँ, या मेरा काम का प्रोफेशनल क्या है, ये सब अपने को मालूम रहता है। तो ऐसा ही गाड़ी के लिए भी VIN नंबर से आइडेंटिफिकेशन कर सकते कौन सी गाड़ी है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। कोई भी मॉड्यूल में जाओ ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है आपने जिस जगह से प्रॉपर गाड़ी को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो उस जगह और इस मॉड्यूल वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है, इसके कारण ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आपको मालूम होनी चाहिए गाड़ी कौन सी है। अभी मैं देखो अभी बोलेरो पिकअप में जाऊँगा, बोलेरो पिकअप ये क्योंकि मेरा जो ECM है बोलेरो पिकअप में जाऊँगा, और BS6 और BS4 में जाऊंगा। अभी देखो मेरा स्कैन हो जाएगा, तो यही इसका अंतर है। सिर्फ क्या है, प्रॉपर जाके आप मॉडल, प्रॉपर ECM जो गाड़ी आपकी है वही गाड़ी में जाके आप परफेक्ट जाके स्कैन करोगे तो परफेक्ट आपका कोड भी देगा, और गलत जगह आप जाके करोगे, आपकी बोलेरो पिकअप है बोलेरो में जाके करोगे या पैसेंजर में जाके करोगे तो वो काम सही तरीके से नहीं होगा। तो वही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, सही जगह पे जाके आप स्कैन करेंगे तो सही कोड डेफिनेशन के साथ आपको बताएगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है क्योंकि अपना जो VX डाइक के साथ जो यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सिस्टम स्लो ही रहता है। तो यही मेरा बताने का मकसद था, तो सही जगह पे जाके आप स्कैन करेंगे तो सही जगह से कोड भी निकल के आएगा। तो अभी मैं एक बार बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ही ओपन था। अभी मैं iSmart का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अपना जो डिवाइस है वो है VX डाइग J234 प्रोटोकॉल, यानी पास तो डिवाइस रहता है। हम जाएंगे व्हीकल डायग्नोस में, यानी बोलने का मतलब यह है प्रॉपर जगह प्रॉपर गाड़ी आप सेलेक्ट करके काम करोगे तो काम भी प्रॉपर ही होगा। बोलेरो पिकअप पिकअप EMS इंजन मैनेजमेंट देख सकते हैं कोड आ गया है, तो इसका मतलब ये है प्रॉपर जगह पे जाके आप काम करोगे तो प्रॉपर जगह से वो आएगा। और आप इधर से रीड क्लियर कर सकते हैं, इधर से आप रीड क्लियर कर सकते हैं, DTC इधर से कर सकते हैं, रीड ECU ID लाइव डेटा और राइट डेटा एक्चुएटर, ये सब आप इसके अंदर से बहुत आसान तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, और VX डायग अपने पास अवेलेबल रहता है, जो भी भाई कुछ चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। VX डाइग में आपको अप टू 2023 तक काम होगा और 1649 का काम नहीं होगा, जो ओल्ड मॉडल की जो गाड़ियां हैं 1649 वो इससे काम नहीं होगा। और इसके अंदर टाटा का भी आप चला सकते हैं, महिंद्रा का भी चला सकते हैं, और इसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। और हमारे पास VX डाइग सपोर्ट के साथ और
महिंद्रा सॉफ्टवेयर के साथ आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आप ECM की फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। आई फ्लैश जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हम आपको डाल के देंगे। देख सकते हैं VX डाइक, इधर से विन रीड करके, मॉडल रीड करके भी आप काम कर सकते हैं। और इधर से आपको विन नंबर रीड नहीं करना है, आपके हिसाब से कोई विन नंबर आपको डालना है, तब आप काम क्या करना है, चाबी को बंद कर देनी है। चाबी को बंद करने के बाद रीड करनी है, रीड नहीं होगा, रीड करनी है, रीड नहीं होगा, देख सकते हैं रीड नहीं होगा। अब आप इसके अंदर विन नंबर डाल के जो भी आपको विन नंबर चाहिए, विन नंबर जो भी आपको चाहिए वो आप डाल के काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही मॉडल आप इधर जैसे विन नंबर डाल के इसको रीड करेंगे तो इधर मॉडल का आएगा, चाबी बंद करके ही रहनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडल भी इधर लिखने को आएगा, मॉडल आप इधर से मैन्युअली लिख के आप ऑनलाइन फ्लैशिंग कर सकते हैं, मैन्युअली भी फ्लैशिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपको आई स्मार्ट, आई सिक्योर आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, आई स्मार्ट मिलेगा और आपको आई फ्लैश मिलेगा। ये तीन सॉफ्टवेयर मिलेंगे। पहले क्या होता था, एक आई फ्लैश का सॉफ्टवेयर आता था, 2.5 का अलग से सॉफ्टवेयर आता था और अपना 1755 का अलग से सॉफ्टवेयर आता था। अभी कंपनी ने क्या कर दिया, आई फ्लैश के अंदर ही सारा कुछ इसके अंदर काम हो जाएगा। कोई भी आप ECM लगाओ, 1639 छोड़ के 1755 लगाओ या MD1 का लगाओ या आप 2.5 का लगाओ या 3 सेट लगाओ या 1 सेट लगाओ, कोई भी ECM लगाओ, डायरेक्ट गाड़ी का विन नंबर मारो। और मैन्युअली करनी है तो विन नंबर मारो, और ऑटोमेटिक करनी है तो विन रीड करके आप फ्लैशिंग मैन्युअली आप काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बताना चाहते थे, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे पास VX डाइक अवेलेबल है, और जो भी भाई को चाहिए वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेस्ट प्राइस में और बेस्ट सपोर्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।